क्वेश्चन नंबर 48 से 52 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। 48 है, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड इन एन नेचुरल नंबर बाय ए रिलेटेड टू बी इफ 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30 देन रिलेशन आर इज इक्वल टू। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ आपको दे रखा है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30 और a और b दोनों जो हैं ये नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। तो यदि हम a को b के टर्म में लिखें या b को a के टर्म में लिखें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए मैं काम करता हूँ, a को b के टर्म में लिखता हूँ तो आपको a मिल जाएगा 30 माइनस 3b बाय 2 या ये हो गया 15 माइनस 3b बाय 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं b को 1 रखता हूँ तो मुझे a क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। b को 1 रखने पे 3 बाय 2 हो जाएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, 1.5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या होना चाहिए? 2, b इज इक्वल्स टू 4, ये हो सकता है 6, b इज इक्वल्स टू 8, b इज इक्वल्स टू 10, ये नहीं होगा क्योंकि आपने b को 10 रखा तो 10 2 से कैंसिल हो गया 5, 3 5 जो 15, 15 माइनस 15 0, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो b की वैल्यू 2 से लेके 8 तक ही पॉसिबल रहेगी। अब 2 से 8 तक जब हम b को रख रहे हैं तो a कितना आ रहा है ये हम निकाल लेते हैं। तो b इज इक्वल टू 2 पे आपको a कितना मिल जाएगा? 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 मतलब 12। b इज इक्वल टू 4 पे 4 3 जै 12, 15 माइनस 12 3। इस तरह से आपकी रिलेशन बन जाएगी। तो r इज इक्वल टू 3.8 क्योंकि a कॉमा b आपको लिखना है, a रिलेटेड टू b है तो पहले आएगा फिर भी आएगा, तो 3.8, 6.6, उसके बाद 9.4 एंड एट लास्ट 12.2। इस तरह से आपकी रिलेशन बन जाएगी। ये इसका आंसर है और फिलर भी। क्वेश्चन नंबर 49, लेट द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 8 देन आर इज गिवन बाय। ठीक है, देख लेते हैं। आपको बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मॉड मॉड्यूलस लेस देन 8 है। अब आप जानते हैं कि मॉड में जो भी वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। यहाँ पर कुछ भी चीज़ नेगेटिव आती है एज अ नंबर एज अ कॉन्स्टेंट तो उसका रिजल्ट आपको अल्टीमेटली पॉजिटिव ही मिलता है। यहाँ पर ए और बी हद से हद आपकी वैल्यू 1 से लेके 5 तक ले सकते हैं। तो लेस देन 8 क्या हो सकता है आपका? 0, 1, 2, अप टू 7, 8 नहीं होगा। अब आप देखिए, अगर मैं रिलेशन आर लेता हूँ जिसमें ए 1 है बी 1 है तो ये 0 मिलेगा आपको, तो ये लेस देन 8 है। तो जितने भी आप आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए। ठीक है, सारे के सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आइडेंटिकल एलिमेंट्स में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोड 0 मिलेगा। अब उसके बाद आप देखिए थोड़ा 0 से आप बढ़िए, मैंने लिखा 1.2 तो 1 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 मतलब -3, -3 का मोड मतलब 3, उसी तरह से 2.1 ये आपका हो जाएगा 3। अब इसके बाद अगर आप 1.3 लेते हैं देखिए तो आपको ये क्या मिल रहा है? 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब -9, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, तो मोड ऑफ 8 पर ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 से छोटा होना चाहिए। इसके बाद 8 से छोटा आपको क्या मिलेगा? आप ले लीजिए 2.3। देखिए आप 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 9 मतलब -5, -5 का मोड +5, और अगर आप 9 माइनस 4 करेंगे तो भी 5 आएगा, तो 2.3 हो गया और एक 3.2 हो गया। इसके बाद आप 3.4 लेते हैं तो 9 माइनस 16 ये 7 मिल रहा है आपको, -7 प्लस 7 तो 3.4, 4.3। इसके अलावा और कोई सी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जो कि 8 से छोटी हो। तो आपके ये सारे रिलेशंस बन रहे हैं, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, लेट एफ इज इक्वल्स टू 1.2, 3.5, 4.1 एंड जी इज इक्वल्स टू 2.3, 5.1, 1.3 देन जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इज इक्वल्स टू।
ये भी इजी क्वेश्चन है, इसके से क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं बहुत सारे। पहले आप जी ओ एफ कर लीजिए, जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप एफ के लिए डालते रहिए तो जी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलती रहेगी। तो आपने पहले जी ओ एफ वन डाला तो ये हो गया जी एफ वन, तो एफ वन पे कितना है टू, तो ये हो गया जी टू। अब जी टू पे कितना है थ्री। इसी तरह आपने जी एफ ऑफ थ्री किया तो आपका जी ओ एफ क्या हो जाएगा, वन कॉमा थ्री, थ्री कॉमा वन और फोर कॉमा थ्री, ये आपका जी ओ एफ, ये पहला आंसर। उसके बाद एफ ओ जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एफ ओ जी, ठीक है। ये होता है आपका एफ ऑफ जी एक्स, इसकी पहली वैल्यू टू, तो जी टू है आपका थ्री और एफ थ्री है आपका फाइव। उसी तरह फाइव टू फाइव, ये है आपका एफ ओ जी, पहला टू कॉमा फाइव, देन फाइव कॉमा टू, एट लास्ट वन कॉमा फाइव, ये आपका हो गया एफ ओ जी, ये दूसरा आंसर। इस तरह से आपके जी ओ एफ और एफ ओ जी निकलेंगे। 51, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ एफ ओ एफ एक्स इज, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एफ ओ एफ ओ एफ ये क्या है आपका, एफ 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 एक्स, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ इक्वल्स टू ये, अब इसमें क्या है, ये एक एफ, इसके अंदर ये दूसरा एफ, इसके अंदर तीसरा एफ और ये ब्रैकेट। तो यहाँ पर आपने पहले एफ एक्स की वैल्यू डाली तो ये कितना मिल गया आपको, x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये जा रही है इस x में, ये चीज़ आप समझ गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका f, और यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह ये आ गया, द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इसको आपने सॉल्व किया तो ये मिल रहा है आपको x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था, ये हट जाएगा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसका आपने एलसीएम लिया तो ये कितना मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट कर देता हूँ उसको मैं, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको फाइनली मिल गया x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ये चीज़ अंडर रूट वाली ऊपर चली गई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ऐसा आपको मिल गया। यहाँ पे ये दोनों चीज़ कैंसिल हो गई। अब वापस से ये पूरी चीज़ f x अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये आपके एफ एक्स के x में चली जाएगी, इस x में चली जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, एट लास्ट x अपॉन अंडर रूट, इसको आपने सॉल्व किया तो ये मिल रहा है आपको x अपॉन वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, और ये नीचे इसका वही चीज़, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर गया तो ऊपर अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, और नीचे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे अंडर रूट था, तो आपको फाइनली मिल गया x अपॉन अंडर रूट वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, ये था आपका एफ ओ एफ ओ एफ
एक्स, ये इसका आंसर है और फिलर भी है। क्वेश्चन नंबर 52, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 7 का क्यूब देन एफ इनवर्स एक्स इज, ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन है। एफ एक्स आपका होता है वाई, ये आप जानते हैं, आपने जितने भी क्वेश्चंस एफ इनवर्स एक्स से करे हैं उसमें आपने एफ एक्स को वाई माना है। ये है आपका 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3। अब आप क्या कीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए और इसको राइट हैंड साइड ले आइए, तो आपको ये मिल रहा है एक्स माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। तो एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इसकी पावर 1/3। तो एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 माइनस वाई की पावर 1/3। अब यही आपका एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह आप लिख दीजिए एफ इनवर्स एक्स और वाई की जगह एक्स, तो 7 प्लस 4 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 से 63 तक आपको ट्रू और फॉल्स है। 53 है, लेट आर इज इक्वल्स टू 3,1, 1,3, 3,3 बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए 1,2,3 देन आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि आपका जो सेट है 1,2,3 इसके हिसाब से इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट ड्यूप्लेट्स 1,1,2,2,3,3 होना चाहिए थे। यहाँ पर इन तीनों में से 1,1 और 2,2 मिसिंग है इसीलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। अभी सिमेट्रिक है ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3,1 है तो 1,3 है तो ये सिमेट्रिक होगा, 3,3 है तो इसका सिमेट्रिक 3,3 ही होगा। अब एट लास्ट हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी, बी सी तो ए सी, यहाँ पर 3,1 है 1,3 है तो 3,3 होना चाहिए, ये बिल्कुल है। अब इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें, यहाँ पर 1,3 है 3,1 है तो 1,1 होना चाहिए, पर यहाँ पर 1,1 मिसिंग है, ये है ही नहीं, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, ओनली सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका आंसर है फॉल्स। 54, लेट एफ आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे बहुत ईजी है, ये आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 2, ये 1,1 तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इन्होंने x बिलोंग्स टू रियल नंबर के रखा है, अब यदि हम साइन 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ पर ही हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, साइन 0 कब होता है, एन पाई पर, तो साइन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पर आप देखिए 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एन पाई, अब यहाँ पर आप देखिए ये 1,1 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एन पाई है, ये पाई 2 पाई 3 पाई जो भी होगा आपको वैल्यू 3x प्लस 2 के हिसाब से मिलेगी, मतलब ये क्या हो गया, आपकी एक प्री इमेज के लिए एक से ज़्यादा आपको इमेज मिल रही है और ऐसा हो भी सकता है, तो ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है, 1,1 नहीं है। ठीक है अगर ये 1,1 नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल होने के लिए 1,1 और साथ में 1,2 होना चाहिए, तो ये तो 1,1 ही नहीं है इसलिए इन्वर्टिबल नहीं है। और हम साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि ये 1,2 क्यों नहीं है, 1,2 के लिए भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप एफ एक्स को अगर 3 रखते हैं तो साइन 3x प्लस 2 कभी 3 के इक्वल होता ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसीलिए ये 1,2 भी नहीं होगा, तो 1,2, 1,1 दोनों ही नहीं होगा ये, इसीलिए ये फॉल्स है। 55, एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ये बिल्कुल फॉल्स है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपका एक सेट है ए 1,2,3, अगर आप इसके ऊपर रिलेशन बनाते हो और रिलेशन में 1,1,2,2 आता है तो ये क्या है, आपकी सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3,3 मिसिंग है। ठीक है और इसको आपको अच्छे से समझना है तो इसके अंदर आप 1,2 और 2,1 भी ले लीजिए। अब आप देखिए अभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 3,3 मिसिंग है, ये
सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है? 1 2 2 1 1 1, उसी तरह 2 1 1 2 2 2, ए बी बी सी ए सी, और साथ ही साथ ए बी तो बी ए, ये भी मिल रहा है, तो ये भी सही है। और अगर आप सिर्फ 1 1 2 2 करते तो भी सही है, पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट्स हैं इनके डुप्लेट्स होना चाहिए। 56, एन इंटीजर एम इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर एन इफ एम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, दिस रिलेशन इन जेड इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं m रिलेटेड टू n है, और साथ ही साथ m क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं m को लेता हूँ 2, तो n क्या होगा? 2। m को लेता हूँ 2 तो n 4, m को 2 तो n 6। कहने का मतलब मेरा ये है कि m की जो भी वैल्यू है, m हमेशा n को डिवाइड करेगा। और डिवाइड किस तरह से करेगा? देखिए, n यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है? 2 इंटू 1, या इसको लिख लीजिए आप 1 इंटू 2। यहाँ 4 है तो ये है 2 इंटू 2, 6 है तो 3 इंटू 2, तो 1 2 3 यहाँ पे जो आ रहे हैं ये क्या है? इंटीजर्स हैं, तो इस तरह का ये मल्टीपल है, तो आपकी रिलेशन इस तरह से बनेगी 2,2, 2,4, 2,6। और अगर आप कुछ माइनस वैल्यू लेते हैं 2,-2, तो वो भी ले सकते हैं। इंटीजर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी चलेगा इवन। अब आप देखिए, यहाँ पर आप 2 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट लेते तो उसका ड्यूप्लेट आपको बराबर मिलता, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव तो बराबर है। अब यदि हम सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 2,6 है, तो आपको 6,2 हरगिज नहीं मिलेगा। 6,2 का मतलब क्या हो गया? 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, पर ऐसा थोड़ी होता है। 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, बट 6 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हम ट्रांजिटिव के लिए भी देख लेते हैं। वैसे तो अभी फॉल्स हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, पर हमारी तसल्ली के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ पर आप देखिए 2,2 है, 2,4 है, तो 2,4 ये खुद ही होगा। 2,2 है, 2,6 है, तो 2,6 ये खुद ही होगा। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी बराबर आपको मिल रहा है, ए बी बी सी और ए सी। अब 2,4, तो 2,4 है, तो 4,2 कहीं नहीं आ रहा है आपका, क्योंकि 4 हमें लेना ही नहीं है। m जो है वो एक ही नंबर है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल n का है, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। पर क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स हो गया है। 57, लेट a इज इक्वल्स टू 0,1 एंड n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द मैपिंग f n टू a डिफाइंड बाय f 2n-1 इज इक्वल्स टू 0, एफ टू एन इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन इज ऑन टू। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो मैपिंग है वो है एफ एन टू ए, मतलब ए में 0 और 1 जो रेंज है उसमें 0 और 1 आना चाहिए, और ये कवर हो जाना चाहिए, ये दोनों के दोनों एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए एफ 2n-1, मतलब यहाँ पर एफ एक्स होता, तो आपने जैसे एक्स को रखा 2n-1, फ्री इमेज आपकी हुई 2n-1, तो आपको 0 मिल गया, तो ये पूरा फिल हो गया। उसके बाद आपने x को 2n रखा तो f 2n, तो इस 2n पे आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया, तो 0 और 1 दोनों के दोनों आपको मिल गए, तो यहाँ पे क्या है? आपकी रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई। अगर इसमें से कोई सा एक एलिमेंट छूट जाता तो फिर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होती, उस केस में ये ऑन टू नहीं होता। पर यहाँ पर आप देखिए 2n-1 और 2n, इन दोनों प्री इमेज पे आपको इमेज 0 और 1 कवर होते हुए मिल रही है, इसीलिए रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, और ऐसा जब होता है तो ये ऑन टू होता है, तो इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 58, द रिलेशन r ऑन द सेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 डिफाइंड एज r 1 1 1 2 2 1 3 3 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये भी बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पर इसने 1 1 लिया, ठीक है, 3 3 लिया, पर 2 2 नहीं लिया। अगर 2 2 इसमें होता तो फिर हम देखते आगे, पर यहाँ पर 2 2 मिसिंग है इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। 59, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज कम्यूटेटिव। ये तो फॉल्स है। देखिए, इसको भी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपका एफ एक्स है
टू एक्स, और जी एक्स आप मान लीजिए एक्स प्लस टू। अब आप फॉग लीजिए एफ ओ जी, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा टू, और ये एक्स प्लस टू इस एक्स की जगह चले जाएगा, तो ये आपको मिल गया टू एक्स प्लस फोर। अब गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स की जगह टू एक्स प्लस टू। अब आप देख लीजिए दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, जी ओ एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ओ जी, देयर फॉर इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 60, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज असोसिएटिव। ये ट्रू है और इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही करता हूँ। देखिए एफ ओ जी, पहले इन दोनों को ले लीजिए ओ एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ओ जी ओ एच एक्स, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। तो आप एफ एक्स को मान लीजिए एक्स, जी एक्स को मान लीजिए एक्स प्लस वन, और एच एक्स को मान लीजिए एक्स स्क्वायर। अब आपका एफ ओ जी ओ एच क्या होगा, एफ ओ जी पहले इसकी वैल्यू, इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें एच एस की वैल्यू चली जाएगी। तो आपका एफ ओ जी क्या है, एफ ऑफ जी एक्स ओ एच। अब एफ ऑफ जी एक्स क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वन, जी एक्स था आपका एक्स प्लस वन ओ एच। अब एफ एक्स प्लस वन क्या है, एफ एक्स है आपका एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ओ एच। अब आप एक काम कीजिए, ये जो एक्स प्लस वन है इसको एक फंक्शन मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप टी, तो टी ओ एच ये आपको निकालना है। तो अब ये हो गया आपका टी ऑफ एच एक्स, तो टी में जा रहा है एच एक्स, एच एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर किस में गया, एक्स प्लस वन में, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से आप एफ ओ जी ओ एच ओ कर लीजिए सॉल्व, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एफ ओ जी ओ एच है, तो जी ऑफ एच एक्स ऐसा हो गया पहले, तो एफ जी ऑफ एच एक्स कितना हो गया आपका जी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स स्क्वायर मतलब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एफ एक्स क्या था आपका एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होगा, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसीलिए ये ट्रू होगा। 61, एवरी फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ये तो बिल्कुल फॉल्स है, आपके वो फंक्शन जो कि वन वन और साथ ही साथ ऑन टू होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मतलब दोनों मिला के बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही आपके इन्वर्टिबल होते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा फंक्शन लेंगे, मेनी वन लेंगे, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 62, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट हैज़ ऑलवेज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नहीं, ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए वन टू थ्री एंड सो ऑन, मतलब सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब इसका आपने एक एलिमेंट लिया, मान लीजिए वन, वन प्लस वन करने पर आपको वन मिलना चाहिए, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। प्लस क्या है आपका, एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा ऑपरेशन लेना है वो ले लीजिए, पर वन प्लस वन आपको वन मिले वही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, पर वन प्लस वन तो टू होता है। तो अगर आप एक सेट ले रहे हैं वो सेट नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, उस सेट के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो उन एलिमेंट्स के बीच में आप एडिशन परफॉर्म करते हैं तो आपको वही एलिमेंट मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप टू प्लस टू करेंगे तो आपको टू नहीं मिलेगा, थ्री प्लस थ्री करेंगे तो आपको थ्री नहीं मिलेगा, इसीलिए ये फॉल्स है।